नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग कहीं से भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अब तक 150 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है, जो चिंता की बात है, और हर रोज तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। अजरबैजान में स्थित नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की बहुत सी आबादी आर्मेनियाई है। आर्मेनियाई ईसाई बहुल है, जबकि अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है। अजरबैजान आर्मेनिया की इस लड़ाई में भारतीय आर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में पूरी तरह तटस्थता कायम रखी है और दोनों देशों से इलाके में शांति स्थापित करने की भी अपील कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यह लड़ाई शांति की ओर कब पहुंचती है, क्योंकि विश्व में फिलहाल शांति की ज्यादा जरूरत है युद्ध के मुकाबले, खास करके कोविड के इस बुरे दौर में जब हम गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर दो देश लड़ने लगे और फिर धीरे धीरे करके सारे देश एक दूसरे के साथ गुटबंदी में सामने आ गए, तो निसंदेह काफी चिंता की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।